जानने का तरीका, देख के मत समझिए कि क्वालिटी है कि पॉलिसी। आप समझो, अगर हो सकता है कि आप कहें कि ये क्या है, क्वालिटी डेटा है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर। डेटा अगर नंबर में है तो उसे कहेंगे मात्रा, मात्रा हिंदी है मात्रा, और क्वालिटी है तो उसकी मात्रा नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है क्वालिटी, ये क्या है क्वालिटी। अब यहां पे आप बोल सकते हो क्वांटिटी, या भी बोल सकते हो क्वांटिटी, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है नंबर। आप कैसे जानेंगे, पहले देखिए कि जो डेटा लिया गया जिस भी वेरिएबल पर, क्या वह डेटा किसी मशीन से नाप करके लिया गया है कि बिना मशीन के आया है। जैसे ये जो डेटा आया नाम का, ये मशीन से आया कि बिना मशीन से। मशीन दो तरह की होती है, एक होता है जो वैज्ञानिकों ने बनाया है किसी चीज को नापने के लिए, दूसरा होता है कि वैज्ञानिक आज तक जिन चीजों को नहीं बना पाए हैं, मान नापने की मशीन, उनको सामाजिक वैज्ञानिक टूल बनाते हैं, उस टूल से नापा जाता है। फिर भी बहुत सारी चीजें अभी तक अनमेजरेबल है। ठीक है, तो अब ये बताइए ये किसी मशीन से आया है नहीं, तो ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये अगर मान लीजिए वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन है क्या क्वालिटी की क्वांटिटी, क्वालिटी। ये मशीन से आया है कि नहीं, कुछ मशीन से, तब किसे क्वांटिटी हो जाए, हमने क्या बोला क्वांटिटी वही होगा जो किसी, जब मशीन से आएगा ना तो आप कह सकते हो चार बातें कह सकते हो, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, दूसरा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो जोड़ने का अर्थ निकलेगा क्वांटिटी में ही होता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से भाग दे देंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, तब होता है क्वांटिटी। और मशीन से जो डेटा आता है वो पक्का क्वांटिटी। और आपको लग रहा है कि ये मशीन का डेटा नहीं है, आपकी उम्र कितनी है जाने दीजिए, आपको संकोच ऐसा कितनी एज है आप 43, बैठिए बैठे रहिए। क्या इन्होंने मशीन इस्तेमाल किया कि नहीं, भले उस मशीन से सही न नाप पाए हो, इस्तेमाल किया कि नहीं, मशीन तो है ना, ये क्या है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बस किससे हुआ मैकेनिज्म से आया है, क्लियर। इसलिए क्या कहा जाएगा क्वांटिटेटिव। ये ध्यान से देखना होगा, ये मोबाइल नंबर, खिलाड़ियों का टी शर्ट नंबर मशीन से है, हर नंबर जरूरी नहीं है कि मशीन का हो। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी पर एक आदमी का इनकम 2 रुपया है, एक आदमी का इनकम 4 रुपया है, तो जिसका 4 है उसकी इनकम 2 वाले से दुगना है कि नहीं, हाँ मीनिंग है कि नहीं निकलने की बात की। अब एक खिलाड़ी 4 नंबर का टी शर्ट पहना है और दूसरा खिलाड़ी 2 नंबर का टी शर्ट पहना है, तो इसकी क्या मीनिंग निकलेगी, दुगना की मीनिंग निकलेगी, दुगना नंबर का टी शर्ट पहना है कोई मीनिंग है, क्या है उस खिलाड़ी की आइडेंटिटी नंबर है, दैट इज नॉट क्वांटिटी। ठीक है ना, ऐसे ही मोबाइल नंबर क्या है, देखने में क्वांटिटी लग रहा है लेकिन है क्या क्वालिटी। एजुकेशन लेवल क्वांटिटी, क्वालिटी
लेकिन एजुकेशन ईयर घड़ी से क्वांटिटी, ठीक है। आईक्यू क्वांटिटी, क्योंकि आईक्यू टूल से मेजर होता है। टेम्परेचर पेन लेवल, पेन लेवल क्वालिटी, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फैमिली साइज क्वांटिटी। जहां पे अर्थ, तीन अर्थ निकले कंपैरिजन, ये छोटा है ये बड़ा है, यहां नहीं निकलेगा कि ये एक नाम छोटा है यह नाम क्वालिटी। यहां पर ये अर्थ निकल रहा है कि ये उम्र छोटा है ये उम्र बड़ा, ठीक है। यहां पर इसको जोड़ेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है, यहां पर इनको जोड़ेंगे तो कहेंगे दोनों की उम्र मिल करके 90 बरस की है, इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। तो क्वांटिटी में क्या है, बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन उसके साथ कर सकते हैं, क्वालिटी में नहीं कर सकते, इसलिए ये जानना आपको जरूरी होता है।